स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। अब तक हम भगवद गीता के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके आप शुरुआत से देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर शुरू करते हैं, सगुण भगवान के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञान की महिमा का वर्णन, या फिर इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कह सकते हैं। तो श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्वियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, यानी मित्र है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अविचीन यानी अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? तो अर्जुन को पता नहीं है कि उसके और श्री कृष्ण के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, जैसा कि कृष्ण बताएं। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों का भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, कृष्ण ये कहना चाहते हैं, और हम लोग जो दुख और टेंशन पालते हैं वो इस जन्म का है। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ने सारे दुख और समस्या का हल कर दिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अगर, खैर ये तो बाद में पता चलेगा, हे मैं अजम्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। दोस्तों, अभी जो श्लोक लिखा हुआ है, देखिए, यही सबसे फेमस है। लोग गीता पढ़े ना पढ़े, इस श्लोक को सभी जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही तो इसका मतलब क्या है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्। इसका मतलब है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, ये तो सभी ने सुना ही होगा, कोई गीता पढ़े ना पढ़े। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्वों से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, यानी वैकुंठ लोक। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार ही से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं उनको वैसा ही भजता हूँ। इसका मतलब है, जो मेरे साथ जैसा बर्ताव करते हैं, मैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। अर्जुन ने कृष्ण को दोस्त माना, तो कृष्ण ने भी अर्जुन को दोस्त माना। अब अर्जुन कृष्ण को भक्त मान रहा है, सॉरी, अर्जुन कृष्ण को भगवान मान रहा है, तो कृष्ण भी अर्जुन को भक्त मान रहे हैं। जब तक अर्जुन कृष्ण को जीजा मानता था, तो कृष्ण भी अर्जुन को वैसा ही मानता था। तो मतलब हम लोग कृष्ण को जैसे मानेंगे, कृष्ण भी हमें वैसा ही मानेंगे। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। तो दोस्तों, देखिएगा, आप कोई भी अगर पूजा करते हैं,
तो कुछ फल की इच्छा से, कुछ कामना से ही करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि फल की इच्छा से नहीं करना है, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। तो दोस्तों, हम लोग जिनको भी नीची जाति कहते हैं वो जन्म से कहते हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने जो वर्ण बनाया था वो जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्मों के आधार पर। मतलब किसी को अगर सेवा पसंद है, सेवा करना पसंद है, तो उनको वैश्य बना दिया गया, या जिनको कुछ ड्राइवरी करना पसंद था उनको शूद्र बना दिया गया, जिनको लोगों का रक्षा करना पसंद था उसी काम में वो निपुण था तो उनको क्षत्रिय बना दिया गया, किसी को पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट था उसको ब्राह्मण बना दिया गया, इसी तरह से। तो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में आकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्वों से जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बनता। पूर्वकाल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया है, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वो कर्मत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी। तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। फल की आसक्ति, आसक्ति का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरह से अपना बना लेना और खुद को भूल जाना, या फिर आसक्ति का मतलब आप खुद भी बता सकते हैं, जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी करता हुआ भी उनमें नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि पूजा पाठ करो, भजन करते रहो दिन भर। कृष्ण कह रहे हैं कि उनका मन परमात्मा के ज्ञान में, ठीक है, वही ज्ञान जो कृष्ण दूसरे अध्याय से या पहले अध्याय से कहते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। तो ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुभ आदि ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य ही ब्रह्म है, तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं
और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन शास्त्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया को और प्राणियों के समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई पुरुष द्रव्य संबंधित यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्वों से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावनात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्वों को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान तत्व का उपदेश करेंगे। तो दोस्तों, कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं कि तू मैं जो बोल रहा हूँ वो तो तू सुन नहीं रहा है, तो ठीक है, मुझ पे अगर विश्वास नहीं है तो उनके पास जा जिनको तू भली भांति दंडवत प्रणाम करना, उससे मुझे तो तू प्रणाम कर नहीं रहा, ठीक है। तो अर्जुन कृष्ण की बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो मोह में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, वो स्वयं कृष्ण की बात नहीं अब तक मान रहा है। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चय भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, तो मतलब ज्ञान पहले अपने अंदर देखो, आत्मा पहले अपने अंदर देखो फिर दूसरे में। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धातनकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधनपरायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए ना तो ये लोक है, ना परलोक है और ना सुखी है। किंतु हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
तो दोस्तों ये थी भगवद गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। इसके बाद में अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।